अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग मिडवे कमर्शियल बी में मौजूद हैं। बहरिया टाउन में सबसे बड़ा कमर्शियल हब मिडवे कमर्शियल ए साइड और मिडवे कमर्शियल बी साइड ये कंसीडर किया जाता है, और हेड ऑफिस के करीब और काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। इसके बारे में हमेशा हमने ये बात की कि एक राउंड शेप में बनने वाला वो प्रोजेक्ट है जहाँ पे हर तरह की सहूलियात और चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग ये देखें कि जितने भी यहाँ पे ऑफिसेज या शोरूम्स वगैरह बने हुए हैं वो सारे के सारे पॉपुलेटेड हैं, और ये सारी चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज यहाँ पे मस्जिद सरवर भी बन गई है, पार्क्स भी बने हुए हैं, और जिन लोगों ने 125 गज के प्लॉट्स वगैरह लिए थे उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई, शोरूम्स बनाए, तो वो चीज़ें भी एक्टिवली यहाँ पर बन गई हैं। और देखिए, कीमतें ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन का अगर कोई ये सवाल करे कि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो कमर्शियल हब है वो कौन सा है, तो जवाब एक ही मिलता है कि वो मिडवे कमर्शियल है। मिडवे कमर्शियल में जितने भी शॉप्स शोरूम्स हैं अच्छे रेंटल्स पे भी आप लोगों को मिल जाती हैं, ऑफिस स्पेस शॉप्स सारी की सारी वैल्यू आज भी इसकी वैल्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा है। और ये सामने हेड ऑफिस भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, मिडवे कमर्शियल बी राउंड शेप में बना हुआ है, इसमें सर्कल्स में दो तीन इसके अप्रोचेस बनती हैं। और इसी तरह मिडवे कमर्शियल ए साइड को अगर देखते हैं तो ए साइड अलग से एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, लेकिन सेंटर में हेड ऑफिस का होना, फिर लिबर्टी कमर्शियल और काफ़ी इम्पोर्टेंट एवेन्यूज यहाँ पर आके कनेक्ट होते हैं। तो बहरिया टाउन में अगर आप लोग रह रहे हैं और किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना फ्यूचर ऑफिस बनाना है, रेंटल्स के लिए अच्छी चीज़ें करनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिडवे कमर्शियल में मिल रही होती हैं। तो मिडवे कमर्शियल इसलिए आज भी हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे बताता चलूँ कि 125 गज के प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर बेसमेंट ग्राउंड और 6 मंजिला तक की बिल्डिंग बनती है, जो कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बन भी गई हैं। अब कम प्लॉट हैं जिसके ऊपर अभी बिल्डिंग्स बननी बाकी हैं, लोग आज भी यहाँ पे सेल परचेज करते रहते हैं। और इसके सामने लिबर्टी कमर्शियल के वो प्लॉट्स हैं जहाँ पे अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, यानी ये कहा जा सकता है इसके करीब करीब आप लोगों को अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस भी मिल जाता है। तो यहाँ अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो मेरा ये मानना है कि ये अच्छी ऑप्शंस आज भी मिल रही हैं, क्योंकि अगर कोई भी आपने रियल एस्टेट का काम करना है या कोई भी ऑफिस वर्क है तो हेड ऑफिस का एरिया करीब होने का मतलब ये है कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग डेवलपमेंट का काम या बिल्डिंग मटेरियल से मतलब का कोई भी होगा तो लोग मोस्टली यहाँ विजिट करते हैं। और अभी तो यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर से लेके फूड रेस्टोरेंट से लेके बिल्डिंग मटेरियल से लेके आपको जो गारमेंट ब्रांड्स हैं ये सब के सब यहाँ पर आ रहे हैं। इवन आपके जितने भी स्टेशनरी की शॉप्स हैं या क्रॉकरी स्टोर्स हैं, टाइल्स की शॉप्स हैं, ये सारी चीज़ें पर बहुत सारे बिजनेस अब यहाँ पे माशाल्लाह एक्टिव हैं, हो रहे हैं। तो इन हवाले से मैं इसलिए आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। मैंने आज से पहले बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को एडजस्टमेंट के वज़ ऑफिस वगैरह दिए हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट भी करवाई है इन एरियाज़ में, जहाँ आप ये देखें कि आज अच्छा काम भी हो रहा है, अच्छे रेंटल्स भी हो रहे हैं। अच्छा, जब मार्केट डाउन है, कीमतें कोई आपको कम कोट करे, आप लोग कम कीमत पर प्रॉपर्टी बेचनी ही नहीं, इस चीज़ को आप लोग जो है वो पल्ले से बांध दें, ठीक है। और रेंटल्स अगर आज कम मिल रहे हैं, डोंट वरी, रेंटल्स इंशाल्लाह जब मार्केट बेहतरी की तरफ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो रेंटल्स भी लोग आपको खुद कॉल करेंगे, खुद अप्रोच करेंगे, ना कि आपने लोगों को अप्रोच करना है। रेंटल लेने और देने के लिए लोग खुद आपके साथ पर रब्ता कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन का ये एरिया पर्टिकुलर आज भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद है, जहाँ पे आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ राइट लेफ्ट हैं कहीं भी बहरिया टाउन के दूसरे इलाकों में, तो आप इन एरियाज़ में इन्वेस्ट कर लें, जहाँ पे देखिए रेजिडेंशियल की नस्बत हमेशा आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट ज़्यादा मिलता है। ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी कि जब भी
रेंट्स अगर आज कम भी है ना, अगर कम रेंट होके भी कमर्शियल के आपको मिल रहे हैं, तो वो कम रेंट भी आपके रेजिडेंशियल यूनिट से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। और बाकी अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल देखा जाए, अगर आप 3-4 करोड़ रुपए लगा के आप लोग एक घर खरीदते हैं, तो उसका किराया आप लोगों को मेरा ख्याल है 50,000 या 1 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी के बरक्स आप लोग कोई रेजिडेंशियल सॉरी कमर्शियल यूनिट लेते हैं, इतनी में कोई दुकान या शोरूम मिलते हैं, तो मेरा ख्याल है 2-3 लाख रुपए तक उसका किराया आराम से मिल जाता है। तो ये सूरत हाल है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपको कमर्शियल में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि चीज़ें बेहतर हों और आप लोगों को रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाए। तो अभी भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी आप लोगों को यहाँ पे ऑफिस शोरूम शॉप्स मिल जाती हैं, और आपकी प्रॉपर्टी के वजह एडजस्टमेंट भी मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई कंसर्न हो या कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन, तो हमारे नंबर टीम के व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।